इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल ने नई शराब नीति में घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि नई नीति का आइडिया सिसोदिया का ही था, उनका नहीं था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ये दावे किए हैं। निजीकरण का आइडिया सिसोदिया का था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को लागू किया जाए, ये सिसोदिया ने आइडिया दिया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। केजरीवाल पर सीबीआई के ये गंभीर आरोप है, ये बात सीबीआई ने कोर्ट में कही है। हिरासत में लेकर केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। सीबीआई 5 दिन की रिमांड मांग रही है, जिसको लेकर कोर्ट अपना फैसला देगा। कितने दिन की रिमांड सीबीआई को मिलती है। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, यानी कि आज संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अगर पूरे तौर पर ये मान भी लिया जाए, और जिस तरह से सीबीआई भी कह रही है कि आइडिया जो है वो मनीष सिसोदिया का था, अरविंद केजरीवाल का नहीं था, लेकिन दस्तावेज और सबूत क्या कह रहे हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं या फिर वो केजरीवाल के दावे से उलट हैं? देखिए, पहले भी एक बार अरविंद केजरीवाल से सीबीआई 16 मार्च 2023 को पूछताछ कर चुकी है। नेहा, तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाते रहे कि देखिए, जब से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, सीबीआई मुख्यालय के बाहर किस तरह की सुरक्षा है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करने की यहाँ पर कोशिश करता है तो वाटर कैनन भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब बात किया जाता है सबूत का, तो देखिए, सबसे पहले जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी 17 अगस्त 2022 को, उसके बाद मनीष सिसोदिया के तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे सी अरविंद, उसका बयान सीबीआई ने दर्ज कराया था, जिसमें सी अरविंद ने बताया था कि कैसे मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर पर उनको बुलाया था, जहां पर सत्येंद्र जैन मौजूद थे, और बयान की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है नेहा, जिसमें बकायदा जो सी अरविंद, जिन्होंने 7 दिसंबर को ये अपना बयान सीबीआई के सामने दर्ज कराया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मार्च 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट दिया था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया गया था उनको, और वहां पर फिर जो आबकारी नीति में जो 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 6% से 12% करने की बात कही गई थी, और वहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। इस बयान की कॉपी को ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में इस्तेमाल किया था। तो मनीष सिसोदिया के जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे, उनके बयान के आधार पर पहली बार अरविंद केजरीवाल रडार पर आए थे, जिसके बाद केजरीवाल से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। हालांकि सीबीआई एक्शन लेती उसके पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब आज जो कोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं सीबीआई ने, कि सारा आरोप मनीष सिसोदिया पर मर रहे अरविंद केजरीवाल, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सीबीआई ये कहना चाह रही होगी कि जांच में सही सही बात अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं, जांच में वो गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम ने कल पूछताछ की थी तकरीबन 1.5 घंटे, और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। तो सीधे सीधे सीबीआई का ये कहना आप समझ सकते हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब पे वो गुमराह कर रहे हैं, इस वजह से सीबीआई को कहना पड़ा कि उनको कस्टडी में लेना पड़ेगा, इसलिए उनको फॉर्मली आज अरेस्ट किया गया है। 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है, देखना होगा कि कितने दिन की कस्टडी और मिलती है, लेकिन सीबीआई के इस मुख्यालय में जहां पर भारी भरकम दिल्ली पुलिस की तैनाती है, कई अधिकारी रैंक के जो सीनियर अफसर हैं उनकी गाड़ियां यहां आपको दिखाई दे रही होंगी, यहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। जाहिर सी बात है, जब कस्टडी में सीबीआई लेगी तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को यहां, जहां इस वक्त आज तक की टीम मौजूद है, यहीं पर लाया जाएगा, और फिर सीबीआई मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कई गंभीर आरोप अदालत में भी सीबीआई ने लगाए हैं, लेकिन कई ऐसे बयान हैं सीबीआई के पास, खासतौर से मनीष सिसोदिया के तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे सी अरविंद का बयान, वो काफी था सीबीआई को, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के रडार पर लाने के लिए। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया का नाम अरविंद केजरीवाल द्वारा लिया जा रहा है, या फिर वो जांच को गुमराह कर रहे हैं, या फिर उनके दावे में वाकई दम है?
ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि अपने जो कानूनी सलाहकार हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी सलाह पर ही ये सारी चीजें की जा रही होंगी। और सीबीआई का ये कहना है कि वो चीजों का साफ साफ हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं, जांच को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका भविष्य में आगे फायदा उठाया जा सके और चीजों को फिर दूसरा एंगल दिया जा सके। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी, उन्होंने अदालत को कहा है कि तमाम चीजों के जवाब दिए जा रहे हैं लेकिन सीबीआई चाहती है कि वो ही जवाब दिए जाएं जो वो सुनना चाहती है, लेकिन किसी भी आरोपी को अपने बचाव के लिए या अपने उसमें चुप रहने का भी अधिकार है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजों के जवाब दिए जाएं और वही जवाब दिए जाएं जो सीबीआई सुनना चाहती है। उन्होंने कहा अदालत को इसमें रिमांड नोट में देखना पड़ेगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत है, और गिरफ्तारी की जरूरत है तो क्या सीबीआई के रिमांड में देने की जरूरत है, क्योंकि दस्तावेज और बाकी चीजें बिल्कुल अलग अलग कहानियां कह रही हैं। लिहाजा अदालत इसमें फैसला करे और ये निर्णय ले। फिलहाल 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के लिए सीबीआई ने अदालत से अर्जी लगाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों तरफ की दलीलें, सीबीआई अपनी दलील रख चुकी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अब उसमें जवाब दिया जा रहा है सीबीआई की दलीलों का। तो अब मुझे लग रहा है कि समय नजदीक आ रहा है इस निर्णय का कि केजरीवाल कितने दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाएंगे, भेजे भी जाएंगे या नहीं, और अगर भेजे जाएंगे तो कितने दिनों की रिमांड होगी। 5 दिनों की रिमांड मांगी है, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि हो सकता है कि 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पे भेज दिया जाए, नहीं लेकिन तो संजय चलिए एक बार को ये मान भी लिया जाए कि शराब नीति के निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का था, उसको प्राइवेटाइज किया जाए ये भी आइडिया उनका था, लेकिन फैक्ट तो ये भी है ना कि कैबिनेट का उस हिस्सा बने थे अरविंद केजरीवाल जिसने इस पूरे प्रपोजल को मंजूरी दी थी, तो ये तो फैक्ट है ना, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और इसमें कहा गया कि कैबिनेट का के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और उसके लिए भले वो कोई विभाग अपने पास ना लें लेकिन कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री को सारी चीजों की जानकारी होती है। मुख्यमंत्री को तमाम चीजों की जानकारी थी और सीबीआई ने तो यहां तक कहा है कि मुख्यमंत्री को के सहमति देने के बाद चार्टर्ड विमान से मगुंटा रेड्डी और दो गवाह, इस मामले में दो अभियुक्त जो बाद में सरकारी गवाह भी कुछ लोग बने, उन सारे लोगों को यहां पर लेके आया गया चार्टर्ड विमान से, क्योंकि उस समय कोई विमान सेवा नहीं चल रही थी, कोविड के समय पूरा पूरा लॉक था, तो उस लॉकडाउन के दौरान इतनी क्या हड़बड़ी थी कि जिसमें चार्टर्ड विमान से इनको लेके आया गया और यहां पर बात कराई गई और वहां पर विजय नायर भी उसमें मौजूद थे और ये तमाम लोग इसमें जो मगुंटा रेड्डी है, बुच्ची बाबू है, ये सारे लोग यहां मौजूद थे और जहां पर जीओएम ने अपनी सिफारिशें उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी थी, उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि ये जीओएम की सिफारिशों में 7 संशोधन सुझाए थे, 7 सवाल किए थे उस पर, लेकिन उन सवालों पर जीओएम में कोई चर्चा नहीं हुई। और ये कहा गया कि सारे सीबीआई ने ये कहा है अपने रिमांड नोट में कि ये सारे लोग इतनी हड़बड़ी में थे इस नीति को लाने के लिए, इसे लागू करने के लिए, कि इन्होंने उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा, जिस नीति के बारे में ये सारे लोग हैदराबाद से चार्टर्ड विमान से आ रहे हैं उसको इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, तो जीओएम उस पर क्यों नहीं बैठी, चर्चा क्यों नहीं हुई, सर्कुलेशन के जरिए